देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है उस टॉपिक को आज हम आसानी से सॉल्व करेंगे और वो टॉपिक के दो एंड आल दो। लेकिन हमें कैसे पढ़ना है? नो फार्मूला नो रूल, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से हमें दो आल दो की कंसेप्ट भी क्लियर, दो और आल दो की कुछ सेंटेंस को। तो कौन सी ट्रिक हमें फॉलो करनी है? जब भी किसी भी सेंटेंस में बट, एट और इवन इफ ये तीन वर्ड्स होंगे तो उन वर्ड्स को हमें सेंटेंस से निकालना है। बस यही आपको ध्यान में रखना है। जब भी किसी भी सेंटेंस में बट, एट और इवन इफ जैसे वर्ड्स होंगे तो उनको सेंटेंस से निकालना पड़ेगा। और दो और ऑल दो कब इस्तेमाल करते हैं? सेंटेंस के पहले ही उसका इस्तेमाल होता है। तो हमें रूल्स और फॉर्मूले बाइट नहीं करने, लेकिन ट्रिक याद करने। जब इनमें से कोई वर्ड होगा तो उसको निकालना है और दो आल्दो को सेंटेंस के पहले ही हमें लिखना है। तो चलो ये सेंटेंस देखो। पहले दे डू हार्ड वर्क एंड सैक्रिफाइस बट दे आर वेरी लकी। तो इसमें दो और आल्दो को हमें इस्तेमाल करना है। किसी एक को इस्तेमाल करेंगे तो हम दो को करेंगे पहले। दो तो सेंटेंस के पहले हमें दो या आल्दो लिखना है तो हमने दो को लिखा। अभी देखो, दे डू हार्ड वर्क एंड सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है? बट। तो बट, एट और इवन इफ इनमें से जो वर्ड आएंगे उनको हमें निकालना है। तो हमने बट को निकाला। दे आर वेरी लकी। तो इतना सिंपल ये दो आल्दो है। पहले ही दो या आल्दो का इस्तेमाल करो और जब भी सेंटेंस में बट, एट, इवन, इफ जैसे वर्ड्स होंगे तो उन्हें हमें निकालना है। देखो सेकेंड सेंटेंस, इट मेड हिम शट हिज आईज बट ओपन हिज हार्ट। तो पहले हम इस्तेमाल करेंगे, चलो अभी आल्दो का इस्तेमाल करते। आल्दो लिखा हमने तो पहले ही आल्दो का इस्तेमाल किया। तो एग्जाम में हमें क्या होगा? दो या आल्दो किसका इस्तेमाल करना है ये हमें बताया होगा। तो उस तरह से हमें लिखना है, इट मेड हिम शट हिज आईज बट आया यहाँ पे, बट को हमें निकालना है तो हमने निकाल दिया। बट को निकाला, यहाँ पे लिखो ओपनड हिज हार्ट। तो देखो बच्चों, इतना ही सिंपल है। ज़्यादा सेंटेंस लेने की ज़रूरत भी नहीं है। दो एग्जांपल से ही आपको पता चलेगा। पहले हमें दो या आल्दो का इस्तेमाल करना है और जब भी सेंटेंस में बट, एट, इवन, इफ जैसे वर्ड्स होंगे तो उन्हें हमें सेंटेंस से निकालना। इतना सिंपल ये दो और आल्दो है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे डिग्री के कुछ सेंटेंस पढ़ेंगे और डिग्री के कुछ टाइप्स भी हमें पढ़ने हैं। लेकिन वो कैसे पढ़ने हैं? हमें नो फार्मूला नो रूल्स ओनली वन ट्रिक से पढ़ना है। तो अगली हम वीडियो में देखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन।